Dear students, welcome in my YouTube channel Chemistry by Dr. Davis. आज हम आपको केमिस्ट्री में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं. What is this? Characteristics of chemical reaction. What is the character during the chemical reaction? जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं A plus B equal to C. जब A और B आपस में रिएक्शन करता है इट गिव्स प्रोडक्ट. क्या देता है ये? प्रोडक्ट देता है. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोडक्ट. यानी यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब हो गया प्रोडक्ट का कलर चेंज होगा, ओके, या उसमें स्टेट चेंज होगी, या उसमें प्रेसिपिटेट आएगा, ओके, या वो हीट इवॉल्व करेगा, या हीट देनी पड़ेगी. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं. तो बेसिकली हम आपको वो सब करैक्टरिस्टिक्स बताने जा रहे हैं, एक एक करके बताएंगे आपको करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं. क्वेश्चन आ गया राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट यू शुड राइट नंबर वन, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. आपको पहले एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बताइए जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है. प्रेसिपिटेट इन द सेंस हिंदी में कहते हैं अवक्षेप बनता है. तो प्रेसिपिटेट बनने वाली रिएक्शंस आप पहले बताएंगे. सर, जब कोई रिएक्शन करता है केमिकल ए प्लस बी तो एक प्रेसिपिटेट बनता है, तो वो रिएक्शन बताइए. तो हम सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स में प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट बनता है, ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स है. गैस इवॉल्व, ये भी करैक्टरिस्टिक्स है. तो प्रेसिपिटेट बनता है तो कोई एग्जांपल बताते हैं. जैसे समझिए, जैसे BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट कैसे बनता है? तो जब बेरियम क्लोराइड के इक्वस सॉल्यूशन की, बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो BaCl2 की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो BaSO4, Ba पर यहाँ पर +2 वैलेंसी है, सल्फेट पे 2 वैलेंसी है, तो Ba सल्फेट को ले लेगा, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा और HCl बनेगा, ओके. ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. यहाँ पर 2Cl है, 2H है, तो 2HCl हो गया बैलेंस करने पर. तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट किस कलर का आया? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आया, ओके. तो ये जो प्रेसिपिटेट आया है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. तो अब इसमें क्या हुआ? इक्वस सॉल्यूशन BaCl2 का इलेक्ट्रोलाइट का लिया, बेरियम क्लोराइड का साल्ट है ये, H2S4 का इक्वस सॉल्यूशन है. जब दोनों को मिलाया तुरंत वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. अब तुम कहोगे सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस में होती है? जब मेटल और नॉन मेटल जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये जब आपस में इसका प्लस उसका माइनस, इसका माइनस उसका प्लस आपस में मिलेंगे तो प्रेसिपिटेट आता है. ये आयनिक रिएक्शन होते हैं. इट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन. कोई पूछे आपसे सबसे तेज रिएक्शन किसकी होती है? मॉलिकुलर रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, ओके. तो आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट होती हैं. देखो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन, ओके. जिनका हम वेलोसिटी, जिनका वेग, जिनका हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं कर सकते वो होती हैं वेरी फास्ट, वेरी स्लो. तो दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, ओके. इनकी स्पीड को इजिली मेजर नहीं कर सकते हैं. क्योंकि वेरी फास्ट क्यों है? एक फ्लास, एक टेस्ट ट्यूब में BaCl2 है, एक टेस्ट ट्यूब में H2S4 है, दोनों को जैसे ही मिलाएंगे, जैसे ही उस एक दूसरे को इंटरलिंक करेंगे वैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट आएगा. और वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, पलक झपकते ही रिएक्शन हो गई. अरे जैसे हम आँख इस तरीके से झपकाएंगे तुरंत रिएक्शन हो जाती है. बोलो इतनी फास्ट रिएक्शन इन फ्यू सेकेंड. तो दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन. इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड. यू नो लेड नाइट्रेट की बात करते हैं तो PbNO3 का होल ट्वाइज ये रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड से. आपने पढ़ा है ये साल्ट है लेड नाइट्रेट का इक्व सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का इक्व सोल्यूशन. देन वी विल गेट ए, देखिए यहाँ पर क्या है, Pb पे +2 चार्ज है और I पे माइनस वन, तो दोनों से क्या बनेगा? PbI2, लेड आयोडाइड का एलो प्रेसिपिटेट आएगा. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर. तो यू शुड थिंक मेन थिंग इज दैट वाट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज वेरी 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 फास्ट. यू कैन से सर आयनिक रिएक्शन इज वेरी फास्ट. आयनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती हैं और जिनके वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते हो, और वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं. जैसा कि बेरियम क्लोराइड को जब H2S4 के साथ ट्रीट करते हैं तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है. सिमिलरली
लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या दोनों के इक्वल सॉल्यूशन जब आपस में एक दूसरे से मिक्स करेंगे, जैसे मिक्स होंगे वैसे एलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, PbI2 का लेड आयोडाइड का बन जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, सो यू कैन से द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, 10th क्लास के स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिए। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब एक तरह से गुण, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण धर्म लिखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म माने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हमने आपको एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं अभी हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन आज जो टॉपिक चल रहा है वो करेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। पहला करेक्टरिस्टिक्स हमारा हो गया प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। हाँ स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पहली जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन थी वो थी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेपण का बनना। अब दूसरी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, एवोल्यूट करना, निकलना। एवोल्यूशन ऑफ गैस, आई टोल्ड इन ए प्रीवियस लेक्चर, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ जिंक विद H2S4। आपने आई थिंक आपने याद होगा, जब जिंक के ग्रेनुअल्स को हमने H2S4 में डाला तो हाइड्रोजन गैस निकली थी, जिंक को HCl में डाला तो हाइड्रोजन गैस निकली थी। अरे भाई, रिएक्टिव मेटल्स को जब हम एसिड में डालते हैं या बेस में डालते हैं तो भाई हाइड्रोजन गैस निकलती है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी लुक एट एवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्या करेक्टरिस्टिक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जिंक की रिएक्शन अगर हम HCl से करते हैं तो आपने पढ़ा है डायल्यूट HCl लेते हैं तो ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। बैलेंस करो, यहाँ दो का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको हमने रिएक्शन बताई थी, जिंक इज रिएक्टिव इसीलिए उसने हाइड्रोजन गैस निकाला। अब ये एसिड है, आपको बता दें HCl क्या है, जल्दी बताओ, HCl इज एसिड। अब हम जिंक को अगर हम बेस में डालते हैं, बेस जानते हो NaOH, अगर हम बेस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ दो का मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर 2Na+ ZnOH का होल ट्वाइस। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ तो ये दो सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, जिंक की बैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, दो हाइड्रोक्साइड की एक, तो फार्मूला जिंक हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। अभी किस में डाला जिंक को तुमने, एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस निकली। याद रखना, रिएक्टिव मेटल को यदि एसिड में डालोगे, बेस में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब जिंक को एसिड में डाला, हाइड्रोजन गैस निकली, जिंक को बेस में डाल ले, पता क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे गर्म का निशान है डेल्टा। तो जब ये मिक्सचर बना, जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम बना, तो इसको गर्म करेंगे इस मिक्सचर को, तो सोडियम जिंकेट बनता है, दिस इज कॉल्ड Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो क्या है, मेटल रिएक्ट विद, खासकर रिएक्टिव मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, H+ साइन देता है एसिड है, ये OH- साइन देता है बेस है। तो रिएक्टिव मेटल को जब एसिड या बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर निकल रही है। तो यहाँ पर क्या सीखे, यहाँ पर ये सीखे कि जिंक यानी रिएक्टिव मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आपने दो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। Now we will discuss about change in color. This is the another chemical properties, you can say also the characteristics of the chemical reaction. Change in color. यार color change हो गया है, कभी कभी देखते हो कोई reactant लिया, product बना, color change हो गया है। हाँ, बड़ा अच्छा example है, समझते हैं। आप एक काम करिएगा, एक iron की nail को आपने copper sulfate के solution में डाल दिया, this is a copper sulfate CuSO4, और CuSO4 का कलर होता है, आपको पता है जब कॉपर सल्फेट को पानी में डालते हैं तो कॉपर +2 और सल्फेट -2 में टूटता है। तो कॉपर सल्फेट जब वाटर में डालेंगे, कॉपर सल्फेट पानी में मत डालिए, कॉपर सल्फेट डीजेंगे तो वो वाइट कलर का होगा, मतलब कलर नहीं होगा। लेकिन जब कॉपर सल्फेट को वाटर में डाल देते हैं
तो कॉपर प्लस टू आयन बनते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर प्लस टू आयन जो होते हैं वो कलर देते हैं, वो ब्लू कलर होता है। तो ये इसका कलर ब्लू होता है। तो जब हम आयरन डालेंगे, लोहा डालेंगे, और आपको इतना तो पता है आयरन और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव, बताओ, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आपसे कोई पूछे रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन को हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर में। आज मैंने डाला सोलूशन कॉपर सल्फेट का, उसमें आयरन की नील लटका दी यहाँ पर और मैं चला गया। मैं जब एक दो दिन बाद आया तो मैंने देखा ये ब्लू कलर था वो धीरे धीरे डल हो गया और वो ग्रीन में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? रिएक्टिव कौन है इसमें, आयरन की कॉपर? बताओ, आयरन रिएक्टिव है। तो आयरन है, आयरन की इच्छा हुई स्विमिंग पूल में नहाने जाएं, तो आयरन अपने यहाँ पर स्लीपर्स उतार देगा, ओके, और यहाँ पर आयन के फॉर्म में डुबकी लगाने जाएगा Fe प्लस टू के रूप में। और यहाँ जो कॉपर प्लस टू आयन थे वो कहते भागो, बॉस इज कमिंग, बॉस आ रहा है। नहीं समझे, आयरन जो है वो किस रूप में आ जाएगा यहाँ पर, Fe प्लस टू के रूप में। इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज कर दी, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये जानते हो क्या है, ये स्लीपर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कॉपर प्लस टू जैसे देखा बॉस इज कमिंग, तो कर्मचारी भागेगा यहाँ पर, वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो लोहे की जो रॉड होगी, नेल होगी, उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ये देखिए। और आयरन कहाँ चला जाएगा, सोलूशन में। तो सोलूशन में कौन आ गया, सल्फेट के साथ आयरन की मात्रा बढ़ गई। पहले कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट हो गया। तो इसलिए Fe को जब कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो भाई आयरन सल्फेट बनेगा, कॉपर प्लस टू अलग हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कॉपर पे चार्ज कितना है बेटा, प्लस टू, यहाँ कॉपर पे चार्ज कितना है, जीरो। ये आप जानते हो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ये रिडक्शन कहलाएगा। और यहाँ जीरो चार्ज है और जीरो से क्या है, प्लस टू। देखो बेटा ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और बेटा जहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन को कहते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण और रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें जहाँ होती हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जब कलर चेंज होता है तो जनरली रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। आपसे पूछा भी जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, बताइए व्हाट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप कहेंगे ए रिएक्शन वेयर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर्स साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आयरन का क्या हो रहा है, देखिए आयरन जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आयरन यहाँ पर देखिए डुबकी लगाने जा रहा है एक तरह से आयन्स के फॉर्म में, तो यहाँ से आयरन आ रहा है सोलूशन में प्लस टू के फॉर्म में, और कॉपर प्लस टू जा रहा है ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर प्लस टू की संख्या कम हो रही है, आयरन की संख्या बढ़ रही है। तो जो पहले स्टार्टिंग में ब्लू सोलूशन था वो बाद में धीरे धीरे डल हो चला गया, बाद में वो ग्रीन में बदल गया। क्यों ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस टू की वजह से ब्लू कलर है। जब कॉपर प्लस टू रॉड पे ऊपर आ जाएंगे, जैसे लोहे की रॉड है, ओके, ये आयरन की रॉड है, यहाँ से Fe प्लस टू, Fe प्लस टू ग्रुप में आ जाएगा, कॉपर प्लस टू यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कॉपर प्लस टू की संख्या घटेगी तो उसका कलर धीरे धीरे डल हो जाएगा, और धीरे धीरे Fe प्लस टू की संख्या बढ़ने से उसमें ग्रीन कलर आ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर है इक्वल सोलूशन में, फेरस सल्फेट ग्रीन है, तो ब्लू कन्वर्ट इनटू ग्रीन कलर। तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन थी, दिस इज ए चेंज इन कलर, दिस इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ओके। हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारी फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट इन द सेंस सॉलिड लिक्विड गैस, तो स्टेट चेंज हो रही है, यानी रिएक्टेंट थे तो कुछ और स्टेट थी, प्रोडक्ट हो गए तो कुछ और स्टेट है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था में परिवर्तन। तो कैसे करेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया गैस होती है, सबको पता है रूम टेम्परेचर पर एक अमोनिया गैस है। प्रेजेंट टाइम में अमोनिया गैस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन में होता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में। अमोनिया गैस और आपका दूसरा कौन सा गैस ले रहे हैं हम लोग, बताइए जल्दी से, Cl2 गैस भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर HCl लेंगे, HCl भी रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, लैब में HCl रखा होता है वो लिक्विफाइड होता है, मतलब कहने का वो एक तरह से वाटर में डिजॉल्व होता है, तो वो एसिड होता है। अभी ये एसिड नहीं है, ड्राई HCl इज नॉट एसिड। जब HCl को पानी में डालेंगे तब वो H+ आयन देता, तब वो एसिड होता है। अभी हम ये कह दें ये ड्राई है, गैस फॉर्म में है, तो ये एसिड नहीं है, एसिड वो होता है जो H+ आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे। तो ये अमोनिया गैस है, आपको बता दें HCl एक वैसे तो ये एसिड होता है, ये बेस होता है, एसिड बेस मिल जाते हैं तो साल्ट बनता है, लेकिन दोनों की स्टेट क्या है, इस समय गैस है।
ये दोनों अगर हम आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आपको पता है अमोनियम क्लोराइड कपूर की तरीके से, जो कैम्फर होता है उसकी तरीके से सबलाइम सबस्टेंस है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड, इसकी स्टेट क्या है जल्दी से बताइए, सॉलिड। तो ये दोनों गैस थे ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट बोथ आर द गैस, बट आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ देन द फॉर्मेशन देन वी विल गेट ए NH4Cl दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बन गया, देयर स्टेट इज ए सॉलिड। नाउ यू कैन से सर चेंज इन द स्टेट बिकॉज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बिफोर दिस प्रोडक्ट बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ बिफोर कॉम्बिनेशन बोथ आर इन गैस, आफ्टर कॉम्बिनेशन देन वी विल गेट ए सॉलिड इज अमोनियम क्लोराइड। तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगर हम पूछे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यू कैन से दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोथ आर कंबाइंड टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर ये चेंज इन स्टेट हो गया। गॉट इट स्टूडेंट्स? जो हमारी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, वो चेंज इन टेम्परेचर। ऑलरेडी हमारी फोर करेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। चेंज इन टेम्परेचर हमारी जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो जब रिएक्शन होती हैं तो या तो हीट निकलती है या हीट देनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा मार्केट से चूना लेके आइए, चूना मीन्स क्या होता है, क्विक लाइम। ये हमारा लाइम है, कौन सा लाइम है, क्विक लाइम। ये क्विक लाइम लाइए जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस आप इसमें हीट रिलीज होगी यानी हीट इवॉल्व होगी। तो जब रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के साइड में लिखा हो प्लस हीट, तो वो रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी थर्मल रिएक्शन अगर पूछी जाए दो होती हैं, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक माने हीट निकलना, और जहाँ हीट निकलती है उसे हम हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ हीट रिलीज हो रही है। देखो आपको भी पता है, आप एक काम करिएगा, चूना लाइए, क्विक लाइम लाइए, क्विक लाइम को पानी में डाल दीजिए, अपना हाथ भी डाल दीजिए, हाथ जल जाएगा, बोलो, क्योंकि हीट रिलीज होती है। अब ये एक बीकर में चूना लीजिए, पानी लीजिए, बीकर देखना पकड़ के गर्म हो जाएगा, हीट रिलीज हो रही है। और जहाँ हीट रिलीज हो, मतलब जहाँ बीकर को पकड़ने पर, पर्टिकुलर सिस्टम को पकड़ने पर वो गर्म महसूस होता है, तो दैट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होती है। ओके, या हम ये कहते हैं रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड में अगर हीट लिखते हैं तो दैट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें छेपी अभिक्रिया है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, थर्मामीटर डाल के देख लेना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो जब रिएक्शन होती टेम्परेचर चेंज होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ता है या तो टेम्परेचर घटता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, इसके अलावा आप क्विक लाइम के अलावा CaCl2 ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट होता है, इसको पानी में डालिएगा, आप जैसे पानी में डालेंगे, बीकर में पानी डाल लीजिए, उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालिए, तुरंत हीट रिलीज होगी, हीट इवॉल्व होगी, बीकर गर्म हो जाएगा। इसका मतलब चेंज इन हीट, दैट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज हीट रिलीज हो रही तभी बीकर गर्म हो गया है। अगर बीकर ठंडा होता तो रिएक्शन में हीट देनी पड़ती तो इंडोथर्मिक होता। अभी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, पहली चेंज इन टेम्परेचर में पहली रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक, अब रिएक्शन है इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट आपको देनी पड़ेगी। कैसे, आप एक काम करिएगा, एक बीकर लीजिए, उस बीकर में, बीकर ऐसा तो नहीं होता लेकिन आप बता दे रहा हूँ, मतलब जस्ट लाइक यू कैन से बीकर। तो जब आप बीकर लेंगे तो बीकर में क्या होगा, इसमें हमने आइस ले लिया, आइस, दिस इज आइस। अब आप करिए, बीकर में जब आइस रखा हो और बीकर को पकड़ के देखिए तो कैसा महसूस होगा, आपको ठंडा महसूस होगा, कोल्ड महसूस होगा। तो इसका मतलब जब हम आइस लेंगे और बीकर में आइस रखा होगा, उस बर्तन को या कोल्डिंग की बोतल को भी आप देख सकते हो, पकड़ते हो, ठंडा लगता है जिसमें आइस होगी। तो आइस पिघलने के लिए सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो आइस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, आसपास हीट ले रहा है, तो आसपास की हीट कम हो गई, तो इसलिए मुझे जब पकड़ते हैं तो उसको ठंडा महसूस होता है, कोल्ड महसूस होता है, दिस इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज नॉट ए केमिकल चेंज, बट यू कैन से दिस इज ए फिजिकल चेंज। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, यू कैन से ऑल्सो। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करती है तो NO बनता है, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, बैलेंस करो।
आपको पता है एयर में दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, एयर में नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ओके लेकिन दोनों एयर में प्रेजेंट हैं लेकिन दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों एयर में है, आपको पता है हमारी जो एम्बियंट एयर होती है उसमें 78% के आसपास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कभी रिएक्शन करते हैं? नहीं करते हैं, ऑर्डिनरी नहीं करते हैं। बट हाँ, जब चिमनी वगैरह आपने देखी होंगी जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, हाई टेम्परेचर, जैसे चिमनी वाले एरिया, एग्जॉस्ट वाली एरिया जहाँ पर सिग्नल्स रेड लगे, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वहाँ से एग्जॉस्ट से क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर में रिएक्शन कर लेते हैं। तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फर्दर एयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है जो कि एक वायु प्रदूषक है, एयर पॉल्यूटेंट है। तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या इजीली रिएक्शन करते हैं? बोलो नहीं, उन्हें हीट चाहिए और जिन रिएक्शन को कराने के लिए हीट चाहिए होती है उसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 प्लस इनको हीट चाहिए तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। बोलिए, तो यहाँ एरो से पहले हीट देनी पड़े रिएक्शन कराने के लिए, ओके, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। इन हीट जब देनी पड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। जैसे तुमसे कहा जाए चाय बनाइए, तो चाय बनाइए भाई कैसे बनेगी चाय, ओके। आपने हर चीज़ ले ली, उसमें मिल्क भी ले लिया और उसमें टी भी डाल दी और आपसे ये कहा चाय बन जाए, ऐसे नहीं बन जाएगी, आपको गैस जलानी पड़ेगी, उसमें आपको हीट देनी पड़ेगी तब जाके उसमें बॉयल होगी, गर्म होगी, चाय बनेगी। इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती जिसमें हीट चाहिए होती उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उसमें सोसी अभिक्रिया कहते हैं, उसे हीट चाहिए, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इवॉल्व नहीं करते, यहाँ हीट एब्जॉर्ब करेंगे तब रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बात करते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गए इंडोथर्मिक के, इंडोथर्मिक का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं जो आप अपनी लैब में कर सकते हैं। एक बीकर लीजिए और उस बीकर में क्या करेंगे आप, आइस ले लीजिए, वो तो हमने बताया दिया, वो फिजिकल चेंज है। केमिस्ट्री में क्या करेंगे हम, अमोनियम नाइट्रेट लेंगे NH4NO3 और इसको यहाँ पर क्या है, वाटर यहाँ पर हमारे पास H2O है, तो जब अमोनियम नाइट्रेट को वाटर में डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बीकर ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, क्यों, इनकी हाइड्रोलिसिस होने में अमोनियम नाइट्रेट क्या करेगा, अमोनियम नाइट्रेट वाटर की प्रेजेंस में जल में घुलेगा और ये आयनों में टूट जाएगा, NH4+ और NO3-, इसे कहते हैं अमोनियम आयन, इसे कहते हैं नाइट्रेट आयन। आपको पता है जैसे नमक होता है NaCl, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, Na+, Cl-, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, बोलिए। तो जब कोई चीज़ एक दूसरे से बंधी हुई है उसको तोड़ना चाहते हो, तोड़ने के लिए हीट चाहिए, तो जब अमोनियम नाइट्रेट को पानी में डालेंगे तो ये साल्ट बीच से हाइड्रोलाइज होगा, बीच से जल अपघटित होगा, बीच से ब्रेक डाउन होगा, तब तो वो अपने आयंस में टूटेगा और जब अपने आयंस में टूटेगा तो अपने आप तो टूटने नहीं जाएगा, तो इसे हीट देनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी जो हीट चाहिए इसे घोलने के लिए, वाटर में आयनाइज करने के लिए, आयनों में तोड़ने के लिए, तो इसे हीट चाहिए, तो दैट इज ए इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज ए इंडोथर्मिक रिएक्शन। और आप लोग ध्यान से आप समझिए, 1, 2, 3, 4, 5 आज आपको मैंने क्या 5 करेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की बता दी है, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर चेंज माने हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक हीट देनी पड़ती है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करिए, फर्दर वीडियो के लिए आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।